बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर ये कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। क्या मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अधिकार आप किसी को छीनने देंगे? क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप होने देंगे क्या? साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इन्होंने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे भी दिया है। मैंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 23 अप्रैल को चैलेंज दिया था। मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी लिख करके दे कि वे कभी भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनेगी और यह आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगी। इसके बाद से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को साफ सुंगा हुआ है, साफ उनके मुंह पे ताला लग गया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज 27 दिन हो गए, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है। और मुझे पता है कांग्रेस जवाब देने वाली भी नहीं है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है, मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन ले। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है, ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ
रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू, प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं, शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में तीन बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है, ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है, और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं, बहुत बचाया इन लोगों को, जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग है। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, और वो भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग की सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है, और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, टीएमसी को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? साथियों, बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी टीएमसी सरकार ने ले रखी है। टीएमसी के नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो अपवित्र है। क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या राम मंदिर अपवित्र है?
क्या टीएमसी के इरादे अपवित्र है कि नहीं है? अरे टीएमसी सरकार खुद रामनवमी पर रोक लगाने के फरमान जारी करती है, टीएमसी के गुंडों से रामनवमी शोभा यात्राओं पर हमले करवाए जाते हैं, अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवा आश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार? कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोका है। आपको पता है ना, देश में पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, लेकिन आदिवासी महिलाओं को चुनाव हराने के लिए कौन कौन पार्टियां इकट्ठा हुई थी? ये सारे टीएमसी वाले, ये सारे कांग्रेस वाले, ये सारे वाम वाले, इन सब ने देश की आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने की दिन रात कोशिशें की थी, लेकिन मोदी है उनके आगे उनकी चलती नहीं है। टीएमसी ने अपनी पार्टी के नेता को उनके खिलाफ उतारा था। आप मुझे बताइए, जो लोग आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते, उन्हें आप लोगों के पास आकर के वोट मांगने का अधिकार है क्या? उन्होंने आपसे विश्वासघात किया है कि नहीं किया है? आपसे अन्याय किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे लोगों को घुसने देंगे क्या? साफ कर देंगे ना इस चुनाव में? साथियों, मोदी बंगाल के विकास के लिए काम कर रहा है। 2019 में आपने बीजेपी को मौका दिया,
मैंने विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने झारग्राम में नया मेडिकल कॉलेज खोला, हमने बंगाल की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, हमने यहां झारग्राम चाकुलिया की तीसरी लाइन का निर्माण किया, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया, हमारा झारग्राम स्टेशन भी अमृत स्टेशन बन रहा है। लेकिन साथियों, जहां कानून व्यवस्था तबाह होती है वहां निवेश पर भी असर पड़ता है और उद्योगों का विकास भी नहीं होता है। हमारा मेदिनीपुर और तामलोक उद्योग की संभावनाओं से भरा हुआ है, वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अपनी पहचान रही है। लेकिन इतने साल से टीएमसी बंगाल में काबिज है, टीएमसी सरकार ने आके उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सिर्फ तामलुक की ही बात नहीं है, ये पूरे बंगाल का दुर्भाग्य है। साथियों, आपका एक वोट टीएमसी के पूरे सिंडिकेट पर भारी पड़ेगा। इस बार पार्टी ने तामलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी और कांथी से सोमेंदु अधिकारी जी को जिम्मेदारी दी है। आप झारग्राम से मेरे साथी डॉक्टर प्रणव टुडू को भी भारी वोटों से जिताए। तामलुक में और झारग्राम में आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। इनको दिया गया एक एक वोट बंगाल को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। मोदी आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात काम करेगा। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे आप? गांव गांव ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाना और हर परिवार में जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, 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 वंदे।